मैं डॉक्टर निजाम मोमंद आपका, आतिफ खान आपका और सजाद बरकी आपका, खास तौर पे आपको इस ह्यूमन राइट्स की जो फंक्शन आपने आज बुलाई है इसके ऊपर आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और सारे जितने भी, जहाँ तक मुझे पता है, ज़्यादातर डॉक्टर्स की कम्युनिटी है जो हम समझते हैं कि पाकिस्तान की जो नॉर्थ अमेरिकन फिजिशियंस वो जो एक्सपेटिएट पाकिस्तानी की सबसे ताकतवर कम्युनिटी है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज आप सबसे बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, मैं आपके सामने बस ब्रीफली रखता हूँ कि सिचुएशन है क्या पाकिस्तान में। वो आप सुनते होंगे कि डिफाइनिंग मोमेंट्स एक मुल्क के से गुजर रहा है, ये वो डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान का। मैंने अपनी सारी जिंदगी पाकिस्तान के साथ ही बड़ा हुआ हूं, लेकिन मैंने कभी इस तरह का मुल्क में सिचुएशन नहीं देखा। ये बड़ा यूनिक सिचुएशन है। ये ऐसा है कि वो चार्ल्स डिकेंस की सेइंग है ना कि इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स एंड इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, ये वो सिचुएशन है कि एक तरफ बिल्कुल एक क्रॉस रोड्स पे खड़ा है कि एक तरफ तबाही की तरफ जा रहा है पाकिस्तान, और वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। बड़ा आप बेहतर जानते हैं, एक अवेयरनेस है आपकी कम्युनिटी में, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा अपना से इंटरेक्शन रहा है 30 साल से ज्यादा। तो एक तो आप में अवेयरनेस है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान के इश्यूज क्या हैं, लेकिन क्रॉस रोड्स हैं क्या? यानी वो जब एक मुल्क उधर आके खड़ा हो जाता है कि एक तरफ तबाही है, एक हम डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं, टोटल जंगल का कानून, कोई राइट्स नहीं, किसी किस्म का इस वक्त इंसानियत ही नहीं, ह्यूमैनिटी नहीं, जो जो रास्ता पकड़ा हुआ है यहां, जो फैशिस्ट रजीम बैठी हुई है, ये सिर्फ एक तरफ लेके जाएगी तबाही के, क्योंकि इसमें होप ही कोई नहीं है। और मैंने कभी पाकिस्तानियों में इतनी होपलेसनेस नहीं देखी। जो अल आइन का एक मैनेजर आया वहां, वो इंडस्ट्रियल स्टेट है यूएई में, तो उसने कहा जो पिछले 7-8 महीने में पाकिस्तानियों ने इन्वेस्टमेंट की है अल आइन में यूएई में, वो पिछले 10 साल में नहीं की। 9 लाख पाकिस्तानी, ये एक अखबार की रिपोर्ट है कि मुल्क छोड़ के चले गए टॉप प्रोफेशनल्स। हमें शौकत खानों में प्रॉब्लम हुआ है कि हमारे तकरीबन 10% कंसल्टेंट्स, और ये बड़े मुश्किल होता है, आप बेहतर जानते हैं कि जो कैंसर स्पेशलिस्ट, ऑनकोलॉजिस्ट, इनकी बड़ी वर्ल्ड वाइड डिमांड होती है, प्लस सैलरीज इतनी ज्यादा है, और जैसे रुपया डिवैल्यू किया है तो उनके लिए और ज्यादा लुक्रेटिव हो गया बाहर काम करने का। पहले 3-3, 4-4 गुना ज्यादा तनख्वाह है, तो रुपए के गिरने से और ज्यादा लुक्रेटिव हो गया। तो 10% हमारे कंसल्टेंट्स छोड़ के जा रहे हैं, और ये हर जगह हो रहा है जिधर प्रोफेशनल्स है, क्योंकि होपलेसनेस है कि एक तरफ एक आदमी फैसला करता है बंद कमरे के अंदर अपने थोड़े से लोगों के साथ कि इमरान खान बड़ा खतरनाक है तो उसकी गवर्नमेंट गिरा दो। चले जी, बड़ा खतरनाक है, गवर्नमेंट गिरा दी, लेकिन इस मुल्क के नामवर डाकुओं को और मुजरिमों को उठा के ऊपर लाके बैठा देता है, जो 30 साल से साबित एक दूसरे को जो चोर कह रहे थे, जिनके ऊपर बाहर मजमून है उनकी चोरी के। जरदारी को नवाज शरीफ ने 2 दफा जेल में डाला करप्शन पे, वो जो हुदैबा पेपर मिल केस, ओपन शट केस, वो इसने बनाया, जरदारी ने बनाया नवाज शरीफ के ऊपर। वो दो जो एक दूसरे को करप्ट कहते थे, जिनको फिर जनरल मुशर्रफ करप्ट कहता था, जनरल मुशर्रफ ने इनके ऊपर केसेस बनाए। नैब का जो चेयरमैन, पहला नैब का चेयरमैन था जनरल अमजद, उसने हमें ब्रीफिंग दी इनकी फॉरेन प्रॉपर्टीज की। उन्हीं लोगों को लाके ऊपर बैठा देता है एक घोड़ा सवार, नाइट जो जो आता है हमें हर थोड़ी देर के लिए बचाने के लिए मुल्क को, और उन लोगों जब ऊपर बैठा देता है वो फिर एक्सपेक्ट करता है कि भेड़ बकरियों की तरह सारी कौम अब इनको एक्सेप्ट करे। ये मैं तकबर का बता रहा हूं कि ये इतना एरोगेंस ऐसी आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इस तरह की एरोगेंस की, क्योंकि मैंने उनको लेके आया हूं और जाके तकरीरें करनी शुरू कर दी, क्योंकि बड़ा रिजेंटमेंट आई, स्पेशली जो एक्स सर्विसमैन थे उन्होंने बड़ा रिजेंट किया।
तो उनको जाके तकरीरें कर रहे हैं कि वो असल में कुछ साबित नहीं हुआ नवाज शरीफ के ऊपर और जरदारी के ऊपर कि जी वो तो, यानी उसने फिर कैंपेन करने की कोशिश की लोगों को बताने के लिए कि नहीं नहीं मैंने बड़ा ठीक फैसला किया। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, उनको एक्सेप्ट करवाने के लिए अब यहां से असल डैमेज होना शुरू हुआ। जब इन्होंने देखा कि 9 को अप्रैल को पीटीआई की गवर्नमेंट कराई गई, 10 अप्रैल को स्पॉन्टेनियसली हजारों लाखों लोग निकले सड़कों के ऊपर सारे पाकिस्तान में, अगले दिन ये कभी हुआ नहीं पाकिस्तान में। मैं ये दूसरी तरफ जा रहा हूं कि वाइज इज द बेस्ट ऑफ टाइम्स कि एक दफा पहली दफा इतना बड़ा रिएक्शन आया कि पब्लिक ने शो किया कि हम इन चोरों को नहीं एक्सेप्ट कर रहे। उसके बाद मैंने जो जलसे थे, मैंने कोई 60-70 जलसे किए, पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने बड़े जलसे नहीं हुए। उसके बाद और बाय इलेक्शंस आए और ये हुआ ही नहीं है कि ऑपोजिशन में बैठ के पूरी एस्टेब्लिशमेंट, पुलिस, गवर्नमेंट की सारी मशीनरी, इलेक्शन कमीशन, सब 12 पार्टीज इकट्ठी, सब उनकी मदद करें और 37 में से 30 बाय इलेक्शन हम जीत गए। अब जब ये अकल तो ये कहती है जब आपको पता चल गया कि आपने गलती की है और पब्लिक आके खड़ी हो गई है पार्टी के साथ, ज्यादातर इसलिए कि इनकी शक्लें जब देखी कि फिर से उनको ऊपर इंपोज करने लगे हैं, तो कोर्स करेक्शन होना चाहिए था। बजाय कोर्स करेक्शन के वो कहते हैं कि व्हेन यू हैव अ बिग हैमर एवरीथिंग लुक्स लाइक अ नेल, तो उन्होंने वो हैमर चलाना शुरू कर दिया और पार्टी के ऊपर वो तशद्दुद किया इन्होंने, वो इन्होंने जुल्म किया उसके बाद कि जो पाकिस्तान की तारीख में, मैं 2 मार्शल लॉज तो मैंने देखे हुए हैं, जनरल मुशर्रफ का और जनरल ज़िया का। जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ तो लिबरल था, इससे तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते कि जो ये हुआ, ये जो अब हुआ हमारे साथ पिछले 14 महीने में। जनरल मुशर्रफ का, क्योंकि मैं ऑपोजिशन में था, वो तो लिबरल था, तो उसमें तो हमें खुली इजाजत थी, हम टीवी पे जाते थे, पार्लियामेंट में बोलते थे, कभी कोई काली वीको का डाला रात के 3 बजे आके आपके घर के अंदर नहीं घुसता था और आपको उठा के मारता नहीं था, और इनको जो खास एक ये ह्यूमिलिएट करने के लिए लोगों को नंगा करते थे, नंगा करके उनको ह्यूमिलिएट करते थे, मारते थे, टॉर्चर करते थे। ये शुरू हो गया जनरल बाजवा के दौर में, ये बताने के लिए कि नहीं एक्सेप्ट करो इन लोगों को। जिस तरह फिर से मैं कहता हूं कि हम इंसान ही नहीं, हम भेड़ बकरियां हैं, तो इनको मारते जाओगे तो ये उस तरफ चल पड़ेंगे। सो इन्होंने ये फिर किया, हर किस्म का क्लैंप डाउन जो कि 25th में पिछले साल शुरू किया, हम लॉन्ग मार्च कर रहे थे, 3 लॉन्ग मार्चेस इन्होंने किए, हमने किसी को रोका ही नहीं। उससे 2 दिन पहले इन्होंने घरों में घुसे, रात के हजारों घरों में घुसे, इन्होंने लोगों को उठा लिया, उनको टेररिज किया, हम सब शॉक में चले गए कि ये क्या हुआ। और इन्होंने समझा कि इतना इनके ऊपर, और फिर उसके बाद जो जब लोग निकले 25 मई को, इन्होंने इतनी टेयर गैस शेलिंग की और जो जुल्म किया और लोगों को ऊपर मारा, जिस तरह पैलेट गन्स इस्तेमाल की, तो इनका ख्याल था कि ये एक बड़े सॉफ्ट से लोग हैं, मम्मी डैडी क्राउड है, बर्गर क्राउड जिसको कहते हैं, ये चुप करके बैठ जाएंगे घरों में। लेकिन वो पार्टी उसके बाद भी आगे बढ़ती गई, तो इनकी सख्ती भी बढ़ती गई, और फिर ये खास एक आदमी को लेके आए जिसकी काउंटर टेररिज्म के अंदर एक्सपर्टीज थी, जिसने एक सूबे में बड़ा जुल्म किया हुआ था, जिसने अब बड़ी नफरतें मुल्क के खिलाफ करवाई थी अपनी हरकतों से, अपने कस्टोडियल टॉर्चर से, उसको लेके आया। और उसने हमें, जिस तरह के हम कोई बाहर के टेररिस्ट हैं, उसने हमारे पर वो शुरू कर दिया, जिसपे शहबाज गिल को टॉर्चर किया, पहला वो हमें शॉक मिला उसको, यानी उसको जिस तरह ह्यूमिलिएट किया और 2 दिन रखा और जो उसको मारा। फिर आजम स्वाती, उसने सिर्फ एक ट्वीट की कि थैंक यू जनरल बाजवा फॉर NRO2। उस ट्वीट के ऊपर बच्चों के सामने, और यानी उसके जो ग्रैंड चिल्ड्रन थे और बीवी के सामने, सुबह के 3 बजे को 30-40 लोग घुस गए, उसके सबके सामने मारा उसको, और उसके बाद फिर उसको लेके गए, और फिर
उसको वो नामालूम अफराद ने नंगा करके फिर उसको टॉर्चर किया और मारा। अभी तक आजम स्वाती की बीवी ट्रॉमेटाइज है, साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट लेनी पड़ी, बच्चे ट्रॉमेटाइज, जो ग्रैंड चिल्ड्रन थे वो ट्रॉमेटाइज थे। उसके बाद और उससे पहले अरशे शरीफ का, उसको पहले इन्होंने वो थ्रेट किया, फिर उसको उसके ऊपर केसेस किए, फिर उसने चीफ जस्टिस को खत लिखा कि मेरी जिंदगी खतरे में है, और वो उसके बाद मुल्क छोड़ के जब गया तो उसको कीनिया में उसको असैसिनेट किया। फिर इन्होंने मेरे ऊपर अटेम्प्ट किया 3 नवंबर को, क्योंकि पार्टी और पॉपुलर होती, जो ये करते थे वो और ज्यादा पार्टी ऊपर जा रही थी। 3 नवंबर को मेरे ऊपर अटेम्प्ट किया, और फिर अटेम्प्ट ही नहीं किया, फिर जो इन्वेस्टिगेशन थी उस इन्वेस्टिगेशन को सेबोटाज किया, जिसमें इन शॉर्ट जो इन्होंने गवर्नमेंट ने बयानिया बनाया हुआ था या पुलिस ने कि एक शूटर था, दीनी इंतहा पसंद था, और मैं पहले से प्रेडिक्ट किया था कि दीनी इंतहा पसंद के जरिए मुझे असैसिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो इन्होंने जो फाइंडिंग्स आई, जो फ्रेंसिक रिपोर्ट आई, आई विटनेसेस आए, वो 3 शूटर्स निकले, तो वो डेथ ट्रैप था, वो अल्लाह ने बचा लिया, तो वो इन्होंने सेबोटाज कर दी, वो हमारी जीआईटी की रिपोर्ट, क्योंकि ये इतने ताकतवर है अबव लॉ। उसके बाद फिर मेरे ऊपर एक और अटेम्प्ट किया 18 मार्च को, बड़े वो भी अल्लाह ने खास बचाया, इन्होंने पूरा प्लान किया हुआ था जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में मुझे कत्ल करने का, उधर से फिर मैं बचा। उससे पहले एक और इवेंट हुआ था, हेलीकॉप्टर, हम फ्लड्स थे तो डीआई खान से हेलीकॉप्टर पे, बड़ा हेलीकॉप्टर था केपी गवर्नमेंट का, एकदम वो उसका वो नीचे आना शुरू हो गया, हाइट लूज करना शुरू हो गया, पता चला गलत फ्यूल मिक्स उसका गलत किया गया, वो पता नहीं अल्लाह ने कैसे बताया कि नहीं तो पहाड़ी इलाका था, वो लैंड ही नहीं कर सकता था, तो एक बस फील्ड मिली, पहुंचते वहां रुक गए, एनीवे तो वो बच गए, और भी एक दो अटेम्प्ट्स थे लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। उसके बाद ये जो फाइनली ये जो इन्होंने किया 9 मई का, ये 9 मई का इतना बड़ा ये मजाक हुआ है कि इन्होंने कहा जी गद्दारी होगी मुल्क से, 9/11 है पाकिस्तान का, 9 मई को कल सुप्रीम कोर्ट की डिटेल जजमेंट आती है। वो क्या कहती है डिटेल जजमेंट, ये कहती है कि इमरान खान को अनकॉन्स्टिट्यूशनली एंड अनलॉफुली वहां से एबडक्ट किया गया। सो क्वेश्चन अब ये है कि जब मुझे अनलॉफुली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली एबडक्ट किया, और सिर्फ वो अनलॉफुल नहीं था क्योंकि वो अरेस्ट नहीं था, वो रेंजर्स या कमांडोज ने मुझे उठाया था, क्योंकि हमारे मेरे साथ 3-4 कमांडोज थे, वो सारों ने कहा, वो एसएसजी के थे, सब ने कहा कि जी हम ये जानते हैं रेंजर्स नहीं है, कमांडोज थे। एनीवे जिस तरह उन्होंने मुझे पकड़ा, वो तो आपने सबने भी देखा होगा, लोगों को मारा इन्होंने डंडों से, और बेचारा वो हाई कोर्ट का वो स्टाफ बैठा हुआ था उस ऑफिस में, उनको मारा, हमारे वकीलों को मारा, मुझे भी एक घर, तो और जिस तरह लेके गए। तो क्वेश्चन ये है कि क्या पब्लिक का जो रिएक्शन था वो जस्टिफाइड था या नहीं था, क्या मेरे वर्कर जिन्होंने इस तरह की अबडक्शन देखी जो इलीगल और अनलॉफुल थी, क्या उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं था कि प्रोटेस्ट करना, पूरा मन एहतजाज करना। मुझे तो पता ही नहीं क्या हुआ उसके बाद, क्योंकि मुझे तो बंद कर दिया इन्होंने जाके। तो जब मैं सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ तो जज ने पहली दफा मुझे बताया जी यहां बड़ा वायलेंस हुआ, यहां बड़ी तोड़फोड़ हुई, आर्सन हुआ, तो मैंने तो इमीडिएटली कंडेम किया, क्योंकि हमने तो 27 साल की पॉलिटिक्स में कभी भी अलाउ नहीं किया वायलेंस, हमारी तो सारी पॉलिटिक्स ही ये थी कि लॉ के बीच में रहकर करना है, और वो पीसफुल प्रोटेस्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये हुआ क्या, ये कैसे हुआ ये कि कोर कमांडर का घर जला दिया गया, और ये जो रेडियो पाकिस्तान जला दिया गया, और 2-3 एक वो अस्करी टावर वो जला दिया गया। आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि पहले तो सारे 48 आवर्स में टोटल क्रैकडाउन हो सकता है कि 10,000 लोग आप 48 घंटे में पकड़ ले, अगर आपका पहले से प्लान नहीं बना हुआ था, क्योंकि किसी के पता चलाते हैं आप, उनके घर के पते लेते हैं, कुछ करते हैं, ये कैसे हो गया कि 48 घंटे में एकदम 10,000 लोग पकड़ के जेल में डाल दिए, सारी लीडरशिप पकड़ ली।
और जो जो सबसे अफसोसनाक चीज ये है कि कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं हुई कि हम कह रहे हैं, दो वर्जन है ना, हम कह रहे हैं, हमें तो आहिस्ता आहिस्ता पता चल गया कि ये इम्बेड किए हुए थे लोग, हमारा तो इनसे कोई ताल्लुक ही नहीं था, तो हमें तो पता था कि क्या क्यों पार्टी ने कभी किया ही नहीं ऐसे, तो हमें पता था कि लोगों को अंदर घुसाया गया जिन्होंने ये करवाया, लेकिन वन साइडेड वर्जन, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई इंडिपेंडेंट नहीं, जज ज्यूरी एंड एग्जीक्यूशनर ने फैसला किया कि जी इन्होंने किया, मेरे को मारो। उससे भी ज्यादा आप सबके लिए मैं कहना चाहता हूं कि ये सबसे ज्यादा खौफनाक जो चीज वो ये कि 25 लोगों को उस दिन शहीद किया, 16 के पास तो हमारे उनके पूरे एड्रेसेस पता है वो कौन लोग हैं, लेकिन जो बाकी 9 लोग हैं वो गायब है, उनका हमें कोई पता नहीं है, क्योंकि वो उनके सारे लोग इतना ज्यादा एक खौफनाक सिचुएशन बना हुआ है, इतना ज्यादा लोगों को डराया गया कि वो चुप करके कोई बोल ही नहीं रहा, क्योंकि हर किसी को पकड़ उठा के ले जाते हैं, रिश्तेदारों को उठा के ले जाते हैं, लेकिन अगर 16 लोग भी आपके, 16 डेथ्स, एक पुलिस वाले को या रेंजर को गोली नहीं लगी, इसका मतलब सब किसी के पास हथियार नहीं थे, तो 16 लोगों को गोलियां लगी, 16 लोग शहीद हुए, 9 मिसिंग, ऊपर से 100 लोगों को बुलेट वुंड्स थी और 3 लोगों की टांगे कट गई क्योंकि गोलियों से उनकी टांगे जाया हो गई, एक आदमी इस वक्त पैरालाइज है, उसकी कमर में गोली लगी, और आप यकीन करें एक किसी ने बोला ही नहीं इसके ऊपर कोई, यानी वो कोर कमांडर घर बड़ा बुरा हुआ, हम सब कंडेम करते हैं, लेकिन इंसानी जाने गई हैं, वो किसी के उनके बच्चे थे, किसी के बेटे थे, किसी के हस्बैंड थे, उनके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा कि वो जी लोग एक मेंशन नहीं है, हम एफआईआर नहीं कटवा सकते, कोई एफआईआर नहीं कटवा सका कि जो उनके उनके जो रिश्तेदार शहीद हुए, वो तो एक तो पुलिस का डर इतना ज्यादा है, तो एक खौफ की फिजा बना के सारा जो डिस्कोर्स है मीडिया को टोटल कंट्रोल कर लिया, सारा मीडिया आज टोटली कंट्रोल्ड है। आपको पता है कल IMF की मीटिंग हुई तो वो जो तस्वीर के अंदर से मुझे उन्होंने गायब कर दिया, यानी इतना खौफ है कि इमरान खान का नाम भी नहीं आना चाहिए, और उसके अलावा हमारे लोग टीवी पे नहीं जा सकते रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको उठा लेते हैं, अब सिर्फ वकील ही रह गए हमारे पास जो कि रिप्रेजेंट करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये वन साइडेड वर्जन मेरे मुताबिक ये सारा प्लान था, इन्होंने हर हर बार इस्तेमाल किया PTI को क्रश करने का, वो और ज्यादा, अब आप पार्टी को कैसे क्रश करेंगे जब वो पब्लिक ने फैसला कर लिया कि वो पार्टी के साथ खड़ी हो गई, वो रिफ्लेक्टेड है बाय इलेक्शंस में, वो सारे ओपिनियन पोल्स में बाय रिफ्लेक्टेड है, तो उससे अगर ये इनका ख्याल है कि ये खौफ फैलाएंगे, लोग हमारे तोड़ रहे हैं, जो जेल में जाता है PTI का पकड़ लेते हैं, वो जैसे वो कहता है कि मैं PTI छोड़ रहा हूं, उसके सारे क्रिमिनल केसेस खत्म हो जाते हैं, उसमें दहशतगर्दी खत्म हो जाती है, सारे केसेस खत्म हो जाते हैं, तो सारों को पकड़ते हैं जिसको पकड़ते हैं, अब इतना हमारे कई लोग, अब डॉक्टर यास्मीन 75 कैंसर पेशेंट, कैंसर सर्वाइवर, उसको पकड़ा हुआ है, औरतों को पकड़ा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ये जोर लगाने के लिए कि PTI छोड़ दो, PTI को खत्म करो। तो मैं क्यों अब कहता हूं कि इन अ वे इट्स द बेस्ट ऑफ टाइम, बेस्ट ऑफ टाइम्स ये है कि कभी भी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि पाकिस्तानी कौम को समझ आएगी जो मैंने ये 27 साल पहले अपनी मूवमेंट शुरू की थी इंसाफ की। देखिए आप अब अमेरिका में आप इस चीज को समझते हैं, और मैं भी तब समझा जब मैं एज ए टीन एजर इंग्लैंड गया, जब मैं क्रिकेट खेलने गया, फिर यूनिवर्सिटी गया, मुझे पहली दफा समझ आई कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है, हमें इस चीज की समझ ही नहीं थी क्योंकि यहां तो डिक्टेटरशिप थी अयूब खान की जब जब हम बड़े हो रहे थे, तो पहली दफा हमें समझ आई कि रूल ऑफ लॉ होता क्या है, कि नो वन इज अबव लॉ, और ये है बेसिस ऑफ सिविलाइज सोसाइटी का, इसीलिए मैंने अपनी पॉलिटिक्स शुरू की थी 27 साल पहले, और 14 साल उसमें से विल्डरनेस में थे क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं आ रही थी, क्योंकि यहां जी हर कोई मुझे कहता था जी रोटी कपड़ा मकान टाइप कोई स्लोगन लेके आए नहीं तो लोग आपके साथ नहीं चलेंगे, और वो मैं समझ गया क्यों,
क्योंकि यहां तो इंसाफ हुआ ही नहीं है कभी। देखें हमारी एक एक बड़ी फेमस एक जोक चलती है पंजाब के अंदर, वो जोक यह है कि एक बरासी दुबई से बड़ा पैसे भरा के आता है और वो आके चौधरी की बेटी से कहता है मैंने शादी करनी है। अब वो जो चौधरी है वो उसको मार मूर के वो उसे नौकरों के अंदर बाहर फेंको। तो वो फेमस जो किया है कि वो जब वो उठता है तो फिर चौधरी साहब के पास कहते चौधरी साहब मैं फिर ना समझा। तो आप ये सोचें कि अमेरिका में ये कोई जोक हो सकती है क्या? कोई किसी को इस चीज के ऊपर कोई मार सकता है? क्योंकि यह रूल ऑफ लॉ है या प्रोटेक्शन है या कमजोर की प्रोटेक्शन है। ये लोगों को समझ नहीं आती यहां जो ताकतवर है, और ये कभी भी माशा कामयाब नहीं होता। ये मेरी आप गौर से बात समझ लें, और ये हमें इतना ही नहीं पता कि ये हमारा जो सबसे पहले जब मदीना की रियासत बनी थी, मैं लोगों को समझा के थक गया हूं क्योंकि वो जो रियासत थी वो एक मॉडर्न रियासत थी, सारे मॉडर्न प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड थी। उसका जो मेन प्रिंसिपल था वो रूल ऑफ लॉ था, अदल और इंसाफ, और उसके ऊपर फाउंडेशन बनी थी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशंस एवर। सबसे बड़ा दुनिया की तारीख में इंकलाब आया था। मैं लोगों को समझाता हूं कि इसको स्टडी करें इंटेलेक्चुअली। हम दीनी तरफ ले जाते हैं, मैं चाहता हूं कि इसको इंटेलेक्चुअली स्टडी करें कि ये दुनिया में कितना बड़ा फिनोमेना था कि 625 के अंदर जंग बदर होती है, 313 लड़ने वाले, 636 11 साल के बाद बेजेंटाइन एम्पायर रोमन एम्पायर यारमुक की जंग में हार जाता है मुसलमानों से। सुपर पावर, 100,000 उनकी सदन लीजन थी, वो 11 साल के बाद वो, और 12 साल के बाद दूसरी सुपर पावर पर्शियन एम्पायर वो कत्सिया में हार जाता है। ये जो फिनोमेन है इसको जब तक हम सही माने में स्टडी नहीं करेंगे हमें समझ नहीं आएगी कि क्यों अल्लाह कुरान में कहता है कि नबी की सुन्नत पे चलो। क्योंकि वो जो रेवोल्यूशन आई थी उसको हम कभी भी डिस्पैशनेटली अंडरस्टैंड नहीं करते। उस जो सबसे बड़ा काम उस रेवोल्यूशन का था, इंसानों को आजाद कर दिया था, और आजाद इंसान ही माशरे को उठाते। और आजादी के ऊपर क्यों इतना बड़ा एम्फेसिस है कुरान में? जो अपनी जान खो देता है आजादी के अंदर उसको शहीद कहा जाता है। शहीद का रुतबा सिर्फ पैगंबरों से नीचे है, सेकंड, यानी इतना बड़ा रुतबा है, मतलब कि आजादी का इतना बड़ा रुतबा है। सारे अल्लाह के जो पैगंबर आए थे वो सारे इंसाफ की बात करते थे क्योंकि इंसाफ से आजादी मिलती है। ये जो मैं अभी आप चौधरी की जोक सुनाई है और मरासी की, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि यहां एक सोसाइटी है जिधर ताकतवर है ही सब ऑफ लॉ, और जो नीचे है ही हैज नो एक्सेस टू जस्टिस, उसके ऊपर बुनियादी हकूक ही नहीं है। क्यों? और इसी का जो हजरत उमर के जमाने में एक बड़ा फेमस एक इंसिडेंट, मैं नाम अब उनके मुझे नहीं याद, कि एक प्रिंस होता है वो मुसलमान हो जाता है, तवाफ कर रहा होता है खाना काबा का, एक गुलाम का पैर आ जाता है उसकी उसके वो चोगे पे, तो वो उसको मारता है। वो जाके हजरत उमर को रिपोर्ट करता है, हजरत उमर उसको बुलाते हैं, प्रिंस को पूछते हैं कि तुमने ये किया? उसने कहा हाँ ये गुलाम था। वो कहते हैं वापस मारो उसको। सो जो ये प्रिंस को जब उन्होंने कहा ना कि वो भी कानून से ऊपर नहीं है, जब हजरत उमर ने अपने बेटे को कोड़े पड़वाए जब उसने कानून तोड़ा, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का कहा कि अगर वो जुर्म करेगी तो मैं सजा उसे मिलेगी, और फिर जब उन्होंने कहा कि बड़ी कौमें तबाह हो गई जिधर ताकतवर कानून से ऊपर था और कमजोर के लिए प्रोटेक्शन नहीं थी, इसीलिए जब हजरत अबू बकर खलीफा बने, पहली उनकी मिशन स्टेटमेंट क्या थी कि मैं ताकतवर और कमजोर को कानून के सामने एक कर दूंगा, रूल ऑफ लॉ। हजरत उमर की स्टेटमेंट कि कोई ताकतवर जुल्म नहीं कर सकेगा, हजरत अली की सिमिलर स्टेटमेंट। हजरत अली यहूदी से केस हार जाते हैं क्योंकि वो काजी उनके बेटे की गवाही कबूल नहीं करता। सो एक यहूदी, एक माइनॉरिटी भी एक खलीफा वक्त से केस जीत सकता था। सो वो था इंसाफ जिसके ऊपर बनी थी बुनियाद, लोगों को आजाद कर दिया। जब आप अमेरिका में अब आते हैं या इंग्लैंड में, मैंने देखा हुआ है कि लेबर क्लास हमारी जाती थी, मैं आज से 50 साल पहले की बात कर रहा हूं,
तो वो देखते देखते वो क्यों ऊपर चले जाते थे, उनको पैसे तो नहीं बांट रहा था, क्योंकि उनके जो जब आप रूल ऑफ लॉ में होता है तो जब आपको जब आप अपने कानून के ऊपर चलें और आप अपने टैक्सेस दें, आप आजाद हो जाते हैं माशरे में, आपको कोई तंग नहीं कर सकता, आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है और इसीलिए वो प्रॉस्पर कर जाते हैं। तो हमारा जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो जो मैंने 27 साल पहले शुरू किया था रूल ऑफ तरीके इंसाफ, हमें अपने आप को इस वक्त आजाद करना है। ये जो एक छोटा सा एक मैं अब क्या कहूंगी एलीट कैप्चर करके बैठी हुई है हमारे सारे वसाइल के ऊपर, वो जो ऊपर है चोरी करती है तो एनआरओ मिल जाता है। इमरान खान को यानी एक्स प्राइम मिनिस्टर को जब मुझे जो असैसिनेशन अटेम्प्ट होता है, मैं एफआईआर नहीं कटवा सकता। ये फंडामेंटल राइट है शहरी का कि मुझे पता है कौन कौन जिनको मैं सस्पेक्ट कर रहा था, मैं उनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करवा सका। मैं प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी इन पाकिस्तान, मैं अपनी एफआईआर रजिस्टर नहीं कर सका। और मेरे ऊपर क्योंकि ताकतवर मेरे खिलाफ है, अब तक 180 एफआईआर हो चुकी है, 180 यानी ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा एफआईआर का कि 70 साल की उम्र तक एक एफआईआर नहीं, और सिर्फ इतने टाइम के ऊपर 180 एफआईआर और हर रोज एड होती है। नहीं सो ये होता है जब रूल ऑफ लॉ नहीं होता, और ये माशे कभी उठ नहीं सकते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहां इन्वेस्टमेंट नहीं आती, ये खुशहाल ही नहीं होते माशे। एक टेबल सिर्फ ये देख लें कि जो दुनिया के 140 मुल्क हैं उनमें ये देख लें कि जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स पे हैं टॉप 15 पे हैं, और वो देख लें जो बॉटम 15 पे हैं। जो टॉप 15 पे हैं उन सब का जो पर कैपिटा इनकम वो $60,000 से ऊपर है, और जो बॉटम 15 पे हैं जिसमें पाकिस्तान भी है, हमारा पर कैपिटा इनकम $1,500 है। जो नंबर वन है डेनमार्क, उसका $68,000। हमारे सामने सिंगापुर, हमारे सामने सिंगापुर जिसका पर कैपिटा पाकिस्तान का एक ही था, अब मैं बात कर रहा हूं 60s में, हम तकरीबन एक ही हमारा था कि $500 या इस तरह कुछ था। आज सिंगापुर का $55,000 पर कैपिटा इनकम और हमारा $1,300-1,400 है। उसकी वजह क्या कि सिंगापुर के अंदर जो उनका जो प्रीमियर ली क्वान यू था, उसने सबसे पहले रूल ऑफ लॉ लेके आया, उसकी उसकी किताब भी है, सबसे पहले रूल ऑफ लॉ लेके आया। और जो करप्शन है वो सिम्टम्स हैं व्हेन देयर इज नो रूल ऑफ लॉ। सारी जो गरीब मुल्क हैं वो गरीब मुल्क है ही इसलिए कि वहां रूल ऑफ लॉ नहीं है। आपके कोई देख नहीं है डेवलपिंग वर्ल्ड, नाइजीरिया की मैं इसलिए मिसाल देता हूं कि सबसे ज्यादा तेल नाइजीरिया के अंदर है सारे अफ्रीका में, लेकिन वो गुर्बत की इंतहा है क्योंकि वहां भी एक करप्ट एलीट अबव लॉ बैठी हुई है और वो ही पैसे चोरी कर करके बाहर भेजती है, और ये सारी डेवलपिंग वर्ल्ड का इशू। सो हमारा टू सम अप, इस वक्त हुआ क्या है कि पाकिस्तानी कौम के अंदर वो अवेयरनेस है जो कभी पहले नहीं थी। सो इन दैट सेंस हम उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, हम उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जिधर कभी भी इस मुल्क के अंदर इस तरह का पब्लिक अवेयरनेस नहीं थी, और पब्लिक एक तरफ आके एक पार्टी के साथ खड़ी हो गई है। वो जो मर्जी कर रहे हैं आप, वो पब्लिक उस पार्टी के साथ जुड़ गई है आके, इसलिए इलेक्शन से भाग रहे हैं। इसलिए इन्होंने 14 मई को डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन पंजाब का इलेक्शन होना चाहिए था, इन्होंने नहीं कराया क्योंकि सब डरे हुए हैं, और डरे इसलिए हुए हैं कि वो जो मैंने आपको पहले बताया कि जो 37 में से 30 बाय इलेक्शन हम स्वीप कर गए हैं डिस्पाइट टोटल गवर्नमेंट सपोर्ट और एस्टेब्लिशमेंट। सो इसलिए हो क्या रहा, ये भाग रहे हैं इलेक्शन से, और ये इलेक्शन तब करवाएंगे जब ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ क्रश हो गई है। और तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए उन्होंने जिस तरह मैंने कहा सारी सीनियर लीडरशिप या छुपी हुई है या जेलों में है, और वो जेल में से सिर्फ तब निकलती है अगर वो अनाउंस करें। लेकिन आपको जरा मैं जो बता रहा हूं कि व्हाई इज इट के पाकिस्तान की तारीख में बहुत, और मैं समझता हूं कि अब इसको कोई रोक नहीं सकता, जब पब्लिक एक खड़ी हो जाती है एक पार्टी के साथ, जब पब्लिक उसको आप जो मर्जी कर लें वो थोड़ी देर के लिए सब्ड्यू भी हो जाएगी,
लेकिन जब इनको मौका मिलेगा इलेक्शन में, ये देखना, मैं आज आपके सामने प्रेडिक्शन करता हूं कि ये जो मर्जी कर लें ये इसको अब रोक ही नहीं सकते, क्योंकि मैं वो आदमी हूं जिसने 27 साल जीरो से शुरू की है पार्टी। 27 साल पहले ये किसी ने भी नहीं किया कि जीरो से पार्टी शुरू की, और मैंने आज 14 साल तो विल्डरनेस में थे ना, आहिस्ता आहिस्ता मैंने पब्लिक ओपिनियन को चेंज होते देखे। जो आज पाकिस्तान का पब्लिक ओपिनियन है ये कभी पहले नहीं था। जिस तरह आज पाकिस्तान कौम को इश्यूज की समझ है, और उसमें हमारा यूथ खास तौर पर सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, बल्कि आज तो हम सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन जो खुशायन चीज वो ये है, मैं आपको अब मिसाल दे रहा हूं पंजाब की। पंजाब के अंदर मैंने टिकट्स दे दिए थे, यहां हमारे जो इलेक्शंस हो रहे थे 14th May के। अब ये सोचे कि इन्होंने पूरा जोर लगा लिया, लोगों के घर तोड़े हैं, लोगों के घर लूटे हैं, लोगों के रिश्तेदारों के पास पहुंच गए, क्योंकि सब छुपे हुए हैं, जितने भी टिकट होल्डर्स हैं हमारे सब छुपे हुए हैं, अंडरग्राउंड है, उनके रिश्तेदारों पे पहुंचे हैं, उनके बच्चों पे पहुंचे हैं, उनकी बिजनेसेस बंद कर दिए, यानी कभी इस तरह का तशद्दुद नहीं किया। ये करते होंगे नाजी जर्मनी के अंदर या स्टालिन के सोवियत यूनियन में, कि अगर आपका जिस आदमी को ढूंढना है वो नहीं है तो उसके रिश्तेदारों को पकड़ लो, उसके बच्चों को पकड़ लो, उनकी औरतों को पकड़ लो। ये कभी नहीं होता था, इस मैंने तो कभी नहीं सुना। उसके बावजूद हर किस्म का इन्होंने जुल्म किया और उनको डराया, धमकाया, उनको उनकी बिजनेस बंद किए हैं। 400 टिकट होल्डर्स हैं पंजाब में। आप यकीन करें कि 400 में से इस पूरे तशद्दुद के बावजूद सिर्फ 40 गए हैं, बाकी सारे इंटैक्ट खड़े हैं। तो इससे ये अवगत हुए हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि जब इलेक्शन होगा, अच्छा जो टिकट होल्डर्स है उनको भी पता है कि जैसी जो छोड़ रहा है वो पब्लिक का इतना रिएक्शन आ रहा है कि उनकी कोई चांस ही नहीं है, उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाती है, इसलिए रेजिस्ट कर रहे हैं। और वो छोड़ता है तो 6-7 नीचे बैठे हुए उनकी जगह लेने के लिए। इसलिए ये पब्लिक को ये नहीं कुछ कर सकते, जितना भी करेंगे पब्लिक ओपिनियन कोई ये जानवर नहीं है। पब्लिक ओपिनियन को आप ये इस तरह के तरीकों से, नीचे वोटर तो आपका खड़ा हुआ है, तो इन्होंने जो ये जो अब आगे, अब मैं आप प्रेडिक्ट कर रहा हूं आगे इन्होंने क्या करना है। अब ये डरेंगे, इलेक्शन अनाउंस करना पड़ेगा इनको, 14th August इज द लास्ट डेट, उसके बाद इनको इलेक्शन करना पड़ेगा। तो इनका प्लान क्या है, एक मुझे जेल में डालने का प्लान है, मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं क्योंकि 180 केसेस हैं, तो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं कि मंडे या फ्राइडे तक ये मुझे जेल में डाल देंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि इनके प्लान वो बने हुए, डेस्परेट हुए हुए हैं। वो केस ही कोई ऐसा नहीं है अब तक, जो वो अदालत में जाता है वो केस ही सारे बोगस केसेस हैं, लेकिन इतने ज्यादा किए हुए हैं और इन्होंने थोड़ा मैनेज किया हुआ है। मैं समझता हूं कि अच्छा मुझे, मैं जेल में चला गया, ये डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश करेंगे, एक जज इनकी पूरी मदद कर रहा है इस बार, तो वो दूसरी चीज है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, डिस्क्वालीफाई करेंगे, जेल में भी डाल देंगे, तो इलेक्शन में तो पार्टी को कैसे, वोटर को कैसे रोकेंगे। तो मेरी प्रेडिक्शन ये है कि जो भी करें ये उस स्टेज पे पहुंच गए कि जीत नहीं सकते, लेकिन इन्होंने इलेक्शन डिले करने की कोशिश कर ली है। और इसके लिए जो मुझे, जो मैं कह रहा हूं ना कि ये ब्लाइंड एले की तरफ आप जा रहे हैं, जितना भी आप ये डेमोक्रेसी का कत्ल करेंगे, पार्टी को डिसमेंटल करने की कोशिश कर रहे हैं और हर पे इस्तेमाल करेंगे, ये सिर्फ तब उस एक्सटेंट पे चले जाएंगे कि इलेक्शन भी फार्सिकल हो जाएंगे, और वो बजाय इलेक्शन स्टेबिलिटी लाने के और डिस्टेबलाइज कर देंगे मुल्क को। और IMF के साथ जो मैंने कल बात की थी, और वो समझते हैं इस चीज को कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आए, इकोनॉमी तो स्टेबलाइज कर ही नहीं सकती, और इकोनॉमी तब स्टेबलाइज करती है जब एक प्रेडिक्टेबिलिटी हो, एक सिस्टम में रूल ऑफ लॉ हो, लोगों को ये पता चले कि आप ये 5 साल तक की एक पार्टी है, इसके ये प्रोग्राम है, इसका ये इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पाकिस्तान में चीज है, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट एंड जो जुडिशियल सिस्टम के अंदर ट्रस्ट हो इन्वेस्टर का,
वो तो सिर्फ तब आ सकता है कि एक तगड़ी हुकूमत पब्लिक मैंडेट से आए जो कि इम्पोज करे रूल ऑफ लॉ। अब मैं ये आखिर में सिर्फ ये कह रहा हूँ क्योंकि आप पाकिस्तान की जिस तरह मैं क्या बड़ी वो कम्युनिटी है जो पावरफुल भी और ज्यादा आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं यूएस के अंदर पॉलिसी को अगर आप थोड़ा और यूनाइट कर जाएं। लेकिन एक प्रॉब्लम हमारी जीन्स में है कि पाकिस्तानी इसको यूनाइट करना आसान काम नहीं है। क्योंकि मैं तो क्रिकेट के ज़माने से जानता हूँ, जब मैं पहली दफ़ा 18 साल का था टीम के अंदर आया तो मैंने 14 की स्क्वाड के अंदर 3 टीमें देखी बजाय एक टीम के। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि हमारी जीन्स में कोई इशू है। तो मैं हमेशा ये प्रॉब्लम यूनाइट करने का हमें मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपकी कम्युनिटी यहाँ अमेरिका में यूनाइट कर जाए ये बहुत पावरफुल वॉइस बन सकती है। ये जिस तरह इंडियन कम्युनिटी, खैर इंडियन तो इस वक्त हमारे से बदकिस्मती से बहुत आगे निकल गए हैं, लेकिन हम अगर यहाँ यूनाइट कर जाए तो इसका इम्पैक्ट बड़ा पड़ सकता है। लेकिन मेरा जो नज़र में है कि जो सबसे हमें फ़ायदा है, जो मैं इन्विजिज कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो हम कैसे निकलेंगे, हमारा सबसे बड़ा क्राइसिस है कि हमारे पास डॉलर्स की कमी है, हमारे रिजर्व्स कम है, हम डॉलर इनकम कभी भी किसी ने एक्सपोर्ट्स पर जोर नहीं लगाया। तो मैं जो आगे फोरसी करता हूँ कि हमारा जो 10 बिलियन ओवरसीज पाकिस्तानी है इनकी ये है हमारा फ्यूचर, जिनकी वजह से पाकिस्तान अपना किक स्टार्ट करेगा अपनी इकोनॉमी को। और वो तब करेगा जब हम इनको पाकिस्तान के जो सिस्टम है, जो पाकिस्तान का जुडिशल जस्टिस सिस्टम है उसके ऊपर जब एतमाद होगा। क्योंकि अभी तो ये हाल है कि अगर कोई एक प्लॉट ही लेता है तो उसके ऊपर कब्जा हो जाता है और वो बेचारे के पास कोई, मैंने तो देखा हुआ ना ये हालात क्या, हमने तो खैर बड़ी कोशिश की थी स्पेशल कोर्ट्स बनाने की ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए, लेकिन अगर प्लॉट जैसी चीज के ऊपर कब्जा हो जाता है तो कौन इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेगा, कौन सरमायाकारी करेगा? और ये हमारा सबसे बड़ा आदमी है हमारे सिस्टम के अंदर। जिस तरह मैंने कहा पाकिस्तान वन, डेनमार्क नंबर वन है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में, पाकिस्तान आउट ऑफ 140 कंट्रीज 129th एंड दैट वाज बिफोर द क्रैकडाउन। जो क्रैकडाउन किया अब तो बिल्कुल ही रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया ना, अब तो लॉ ऑफ द जंगल है पाकिस्तान में। लेकिन इससे पहले 140 में पाकिस्तान का नंबर 129 था। 129th आपका नंबर रूल ऑफ लॉ में हो आप इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। जो इन्वेस्टर है वो घबराता है, उसका पैसा है वो सेविंग्स इकट्ठी करता है। मैं बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा, मैं जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री जो बैकबोन होती है एक मुल्क की, वो जो पैसे कमाते हैं बाहर, वो फिर जाके उनका शौक होता है पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, उनका इतना बुरा एक्सपीरियंस होता है क्योंकि यहाँ फ्रॉड हो जाता है, उनके पास कोई रास्ता नहीं होता, वो दुबई में जाके इन्वेस्ट कर देते हैं जिस सिस्टम को वो ट्रस्ट करते हैं। तो मेरी कंटेंशन ये है कि अगर जब एक गवर्नमेंट आए पब्लिक मैंडेट से वो सबसे पहले रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में इम्पोज करें, जिस तरह ली कोन्यू ने सिंगापुर में किया था, जिस तरह मुहातर मोहम्मद ने मलेशिया में किया था, मलेशिया में भी बड़ी करप्शन थी, मुहातर की अचीवमेंट ये थी कि उसने कॉन्फिडेंस दिया लोगों को उस सिस्टम के अंदर जिसमें फिर इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हुई। हमारा पास तो जिस तरह मैंने कहा 10 मिलियन ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जैसे ही हम अपना सिस्टम ठीक करें तो इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट आनी शुरू होगी, तो जिसमें आप लोगों का बहुत बड़ा इंशाल्लाह हाथ होगा। और मैं डॉक्टर्स के लिए कहना चाहता हूँ, हमने जो हेल्थ कार्ड शुरू किया था उसका मकसद क्या था? हेल्थ कार्ड का ये था क्योंकि इस वक्त सिर्फ जो गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बना ही नहीं सकते सारे मुल्क को कवर करने के लिए, तो हेल्थ कार्ड का मकसद ये था कि हेल्थ इंश्योरेंस अगर हर शहरी के पास, हर खानदान के पास 10 लाख की होगी तो गाँव के अंदर, देहातों के अंदर बाइंग पावर आ जाएगी लोगों को पैसे देने के लिए और प्राइवेट सेक्टर चला जाएगा वहाँ। और जाना शुरू हो गया था, प्राइवेट सेक्टर जाना शुरू हो गया था देहातों के अंदर, कैटरेक्ट के ऑपरेशन, छोटी छोटी क्लिनिक्स खुल गई थी जो हेल्थ कार्ड के ऊपर था, तो लोगों को हेल्थ कवर मिल गया था। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर नेटवर्क फैला सकता पूरा हमारा पाकिस्तान के अंदर और फिर कंपीट करे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर प्रेशर पड़ जाएगा कि वो अपनी परफॉर्मेंस ठीक करें। तो ये हमारा बड़ा रेवोल्यूशनरी आइडिया था और एक्चुअली इसके बड़े अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे थे जो ये हुकूमत रोल बैक करने की कोशिश कर रही है। तो आखिर में मैं आप सबका, अब मैं सर, अच्छा मेरे पास पूरी लिस्ट आई हुई है, मुझे इन्होंने भेजी है। हाँ, डॉक्टर जलील खान, आपका भी, निज़ाम मोहम्मद का तो मैं कह बैठा हूँ,
डॉक्टर मोहम्मद तारिक, और हाँ हमारे डाई हार्ट डॉक्टर नसरुल्ला खान, आपको भी मैं खास तौर पे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सबका जो हमारी पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है, मैं समझता हूँ कि आप में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है इस मुल्क की मदद करने का। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।